प्रखंड विकास पदाधिकारी को मांग पत्र सौंपा गया। इस दौरान उन्होंने मांग पत्र में सभी चीजों का उल्लेख करते हुए मांगों को पूरा करने का आग्रह किया। वार्ड महासंघ बेनीपट्टी के 11 सदस्यीय कमेटी द्वारा गुरुवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी के समक्ष अपना मांग पत्र सौंपा है। मांग पत्र में सबसे पहले 15वीं एवं 6वीं वित्त योजना में वार्ड सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। वार्ड सदस्यों का प्रभार जहां अब तक नहीं मिला है, जल्द प्रभार ग्रहण कराते हुए खाता संचालन कराया जाए। मनरेगा में वार्ड सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने, पूर्व की भांति योजनाओं में अधिकार यथावत रखने, वार्ड में संचालित सभी योजनाओं में वार्ड सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित कराने, वेतनमान का भुगतान, शौचालय योजना में बिजली बिल की मुक्ति, वार्ड के अनुरक्षक का भुगतान, योजना आरंभ करने से पूर्व अनुश्रवण समिति की बैठक की अनिवार्यता सहित कुल 11 मांग का उल्लेख मांग पत्र में सौंपा गया है। मांग पत्र सौंपने के दौरान वार्ड महासंघ बेनीपट्टी के प्रखंड अध्यक्ष कौशल कुमार झा, वार्ड महासंघ बेनीपट्टी के प्रखंड सचिव दीपक कुमार, संघ के प्रवक्ता मोहम्मद साकिर, मोहम्मदपुर पंचायत के उपमुखिया गौतम कुमार साह, संयोजक राज कुमार झा, कोषाध्यक्ष शिव कुमार साफी, संतोष कुमार, परकौली पंचायत के उपमुखिया मोहम्मद हसनैन, बबलूराम, नगीना खातून, विनोद यादव सहित अन्य वार्ड सदस्य मौजूद थे। जिनमें एक नंबर पर यहाँ के 15वीं एवं 6वीं योजना में वार्ड सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। दूसरा है वार्ड सदस्यों का प्रभार एवं खाता संचालन अविलंब कराए। तीसरा है नल जल योजना पूर्ण कराने, मनरेगा में वार्ड सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने को पहल की जाए। चौथा है पूर्व की भांति पंचायत में संचालित विभिन्न योजनाओं में वार्ड सदस्यों का अधिकार यथासंभव किया जाए, यथावत किया जाए। मुखिया के द्वारा जो कोई भी योजना अगर जिस वार्ड में प्रारंभ करता है, उस वार्ड के वार्ड सदस्य की भागीदारी सुनिश्चित कराए। वार्ड सदस्यों के वेतन मानदेय अविलंब भुगतान किया जाए। शौचालय के आवेदन में बिजली बिल की छाया पट्टी नहीं लिया जाए। नल जल योजना के अनुरक्षा का भुगतान जल्द से जल्द कराया जाए। पंचायत में किसी भी योजना को शुरू करने से पहले पंचायत अनुश्रवण समिति की बैठक बुलाकर चर्चा की जाए। आम सभा या ग्राम सभा को आहूत करने से पूर्व व्यापक पैमाने पर प्रचार प्रसार करवाया जाए और योजनाओं पर व्यापक विचार विमर्श करने के बाद सदस्य का हस्ताक्षर करवाया जाए। आम सभा और ग्राम सभा की पूर्व कार्यवाही का वीडियोग्राफी करवाई जाए और की गई छाया पट्टी उपलब्ध करवाई जाए। यही हम लोग का मांग था। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे छोटे से ब्रेक के।